आपके स्क्रीन से एक तस्वीर गुजर रही होगी। इन तस्वीर और वीडियो को देख करके आप क्या समझ रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस तस्वीर की असली सच्चाई जब हम आपको बताएंगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो गाड़ियों का काफिला जाता हुआ देख रहे हैं, ये तेजस्वी यादव का नहीं है, न ही किसी और का है, बल्कि ये काफिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में इस गठबंधन को लेकर के जो अभी वर्तमान में बिहार में सरकार चल रही है महागठबंधन की, उस गठबंधन के साथी दलों को लेकर के और आपसी सामंजस्य को लेकर के चाहे जितनी भी बातें की जा रही हों, जितने भी दावे हों, उन सारे दावों की हवा तुरंत निकल जाती है। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि इस सरकार में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई समस्या परेशानी नहीं है, तो वहीं शिक्षक बहाली में जब नियुक्ति पत्र देने की बात होती है, एक बड़े इवेंट का आयोजन किया जाता है, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, तो वहाँ साफ दिखता है कि नीतीश कुमार की तस्वीर के नीचे सभी छिप जाते हैं, किसी की तस्वीर नहीं होती है। हालांकि निमंत्रण दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी हमने आपको बताया कि निमंत्रण में भी भेदभाव नज़र आ रहा है और पलड़ा जनता दल यूनाइटेड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के अब श्रेय लेने की होड़ भी लगी हुई है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये किसी व्यक्ति का श्रेय नहीं है, बल्कि ये कंबाइंड एफर्ट का नतीजा है कि हम नौकरी रोजगार और खुले मंच से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इसका श्रेय कोई लेने की कोशिश न करे और न ले। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से ये पूरा का पूरा खेल दिख रहा है, उसमें साफ लग रहा है कि इस इवेंट को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाम से किए जाने का पूरा सरकारी महकमा प्लान बना चुका है। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी उत्साहित भी हैं और एक संदेश भी देना चाहते हैं कि बिहार, जैसा कि उन्होंने कल मीडिया के साथ बातचीत में भी कहा कि हम इतने भारी संख्या में रोज़गार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो हमारी खबरें नहीं छपती हैं बल्कि उनकी खबरें छप जाती हैं। उनका इशारा किसके तरफ था आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो कुछ भी हुआ और तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं रहने के बाद जब ये बातें सामने आई, पब्लिक डोमेन में आई, इस पर चर्चा शुरू हो गई, तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से जब पूछा गया तो उनमें कई तरह की भ्रांतियाँ और कई तरह के बयान आए। इन बयानों में था कि हमने ही सब कुछ किया है और इस बयान को लेकर के नीतीश कुमार नाराज भी दिखे। अब इस पूरे मामले की चुगली कर रही है ये तस्वीर। नीतीश कुमार के इंतजार और स्वागत में खड़े ये गुलदस्ता लेकर के तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति सिंह यादव खड़े रह गए और नीतीश कुमार का काफिला गुजर गया, देखा तक नहीं, और स्वागत में ये पूरा का पूरा राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा खड़ा रह गया। इसके मायने क्या निकाले जाएं, फिर से एक बार आप तस्वीरों को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि आखिर हो क्या रहा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।